हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब वेटिंग टिकट किसी भी ट्रेन में अलाउ नहीं है, चाहे वो स्टेशन का ही क्यों ना हो। और ये बात जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। दोस्तों, आइए जानते हैं वेटिंग टिकट के बारे में, रेलवे जो है आगे क्या कुछ करने वाली है। क्योंकि जब से जो है स्टेशन का वेटिंग टिकट बंद कर दिया गया है, तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पैसेंजर्स को। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, रेलवे जो है इसके लिए कुछ नया करने वाली है। और इसी के साथ हम जानेंगे इस वीडियो में कि दिवाली आने वाली है और इसके लिए जो है वेटिंग टिकट का क्या हाल रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, अभी दो चार दिन पहले की बात है, मैं टिकट बुक करने जा रहा था दिवाली की मंथ में। तो मैं क्या देखता हूँ कि काफ़ी सारी जो ट्रेनें हैं, चाहे हम नई दिल्ली से बिहार की हावड़ा साइड की बात करें, या फिर नई दिल्ली से मुंबई साइड की बात करें, या मुंबई से नई दिल्ली या लखनऊ साइड की बात करें, तमाम रूटों पर जो है जो ट्रेन हैं उनमें वेटिंग लिस्ट जो है लग गई है। और इस मंथ से आप जुलाई से जो है अगर टिकट बुक करते हैं दिवाली के लिए, अक्टूबर मंथ के लिए, तो बहुत सारी ट्रेनों में जो है वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी और कई सारी ट्रेनों में RAC भी लगा हुआ है। तो अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं और आपको दिवाली पर जो है घर जाना है, तो सबसे पहले तो आप जो है अपनी टिकट को बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनों में वेटिंग लग गई है और वेटिंग टिकट तो अलाउ नहीं है। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही हो गया होगा कि इन दिनों जो है वेटिंग टिकट पर काफ़ी ज़्यादा जो है चेकिंग चल रही है, और वेटिंग टिकट चाहे स्टेशन का ही क्यों ना हो, किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये जो हाल है बहुत बुरा होने वाला है। मतलब ये है, अभी जैसे यूजुअली आप जितनी भीड़ देखते हैं ट्रेन में, इससे 2 से 3 गुना जो है भीड़ दिवाली में देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वेटिंग टिकट सभी ट्रेन में अलाउ नहीं है, और इतने सारे जो पैसेंजर्स हैं वो किस तरह से जाने वाले हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि रेलवे जो है इसके लिए क्या कुछ करने वाली है। दरअसल पहली बात तो यह है कि रेलवे जो है स्लीपर कोच को बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही जो थर्ड AC इकोनॉमी का कोच होता है, वो थर्ड AC की जगह जो है थर्ड AC इकोनॉमी के कोचेज भी लगाने वाली है। क्योंकि अभी जो नॉर्मल थर्ड AC होता है, इसमें टोटल 72 सीट्स होती हैं, और जो थर्ड AC इकोनॉमी के कोच होते हैं उनमें 80 सीट होती हैं। तो टोटल 8 सीट जो है वो एक्स्ट्रा होने वाली है। तो अगर 8 वेटिंग रहती है तो वो जो है इसमें उन लोगों को सीट मिल जाएगी। इसी तरह से कुछ कोचों को बढ़ाएगी, तो जिससे जो है थोड़ा बहुत 10-5% जो है वो अंतर आ जाएगा। 8 से 10 वेटिंग रहने वाली है, उन लोगों को जो है सीट्स मिल जाएगी। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीपर कोच को भी बढ़ाया जाएगा, और स्लीपर कोच के साथ साथ जो जनरल वाले कोच हैं उनमें जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे जो है पैसेंजर्स को थोड़ा राहत मिलने वाली है। इसके अलावा एक और बात सुनने में आ रही है कि रेलवे कुछ ऐसा भी प्लान कर रही है कि जैसे कि हर एक कोच के लिए डिसाइड कर दिया जाए कि इसमें जो है पर हर एक कोच में कितनी वेटिंग जो है अलाउ करनी चाहिए। ऐसा बात चल रहा है, अभी ये चीज़ें जो है लागू नहीं हुई हैं। और इस पर ये कहा जा रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक कोच है, उसमें 10 से 12 वेटिंग अलाउ कर दी जाए, दूसरा जो कोच है उसमें भी ऐसे 10 से 12 जो वेटिंग है उतनी तक लोग जो है उसमें जा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके जो है रेलवे इसको जो है इम्प्लीमेंट करने वाली है, जिससे जो है वेटिंग समस्या थोड़ी बहुत जो है दूर हो जाएगी। हालांकि इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा वेटिंग चलती है ट्रेन में, कि इससे बहुत राहत तो नहीं मिलने वाली है। हाँ, थोड़ी बहुत उम्मीद जो है आप कर सकते हैं इससे। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो रेलवे करने वाली है। हालांकि ये जो चेंजेस हैं ये अभी नहीं, ये आपको अक्टूबर से नवंबर के मंथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अक्टूबर की अगर हम बात करें तो वो महीना होगा जब जो है ट्रेन से बहुत ज़्यादा भीड़ चलेंगी, क्योंकि उस समय जो है फेस्टिवल का टाइम रहेगा और हर एक ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ जो है जाने वाली है। तो ये जो प्लान रेलवे कर रहा है, इससे थोड़ी बहुत तो राहत मिलने वाली है नॉर्मल डेज में, लेकिन ऐसे में तो जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होगी। और इसके लिए एक मेरा सजेशन ये है कि रेलवे जो है इसके लिए एक काम और कर सकती है। जैसे नॉर्मल कोई ट्रेन है उसमें जो है 100, 200, 300, 400 जो वेटिंग रहती है, उसके लिए रेलवे एक काम कर सकता है कि जो पूरी ट्रेन है उसमें 2 कोच एक्स्ट्रा लगा दे, जिसमें जो सारे वेटिंग वाले पैसेंजर्स हैं वो जो है उसमें आराम से जा सकें, और वो जो कोच है वो नॉर्मल स्लीपर का कोच लगा दे, जिससे जो है पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा जो ये सजेशन है ये कैसा है।
वैसे दोस्तों दिवाली के टाइम पर और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें भी चलने वाली हैं, लेकिन वो ट्रेनें भी जो है पैक जाती हैं और उनका किराया भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है नॉर्मल दिनों में भी जो वेटिंग की समस्या है उससे अगर राहत पाना है तो ये जो है फंडा जो है अपनाया जा सकता है। मतलब वेटिंग टिकट तो दीजिए, लेकिन उसके लिए जो है एक दो कोच जो है एक्स्ट्रा लगा दीजिए। तो जो सारे पैसेंजर्स हैं जिनकी वेटिंग जो है कन्फर्म नहीं होती है वो जो है इस कोच में जो है आराम से जा सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक रेलवे ये चीज़ जो है वो कर सकता है, और बाकी जो प्रोसेस है वो तो मैंने आपको बताया कि कैसे जो रेलवे जो है 8 से 10 सीटें हर एक कोच में जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है, नए कोचेज को बढ़ाकर या फिर थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेज को लगाकर। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा जो सजेशन है उस पर आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आप जल्दी के ऐसे नए वीडियो में रेलवे से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और दोस्तों वीडियो इतना लेट इसलिए जा रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो ये वीडियो जो है आपको काफ़ी लेट मिल रहा होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।